आर्मी में भर्ती होना है, लेकिन मोदी सरकार ने यो ऐसा अग्निपेत वो कर दिया अग्निवीर, लेकिन अपना मन भर गया है, जमींदारा कर लेंगे वो बढ़िया, कोई प्राइवेट धंधा कर लेंगे। कितने साल के हैं? मैं तो 22 साल का हो गया जी। मोदी के मंत्रिमंडल में कुल 30 कैबिनेट मंत्री है, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं और 36 राज्य मंत्री रखे गए हैं। ध्यान रखा गया है कि इन सभी मंत्रियों के जरिए 24 राज्यों के साथ साथ सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भी कवर कर लिया जाए। अगर आंकड़ों की बात करें तो पीएम मोदी के नए मंत्रिमंडल में 21 सवर्ण, 27 ओबीसी, 10 एससी, 5 एसटी, 5 अल्पसंख्यक समाज से मंत्री रखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। इस बार क्योंकि बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है, इस वजह से मंत्रिमंडल में 11 एनडीए के सहयोगी दलों को भी स्थान दिया गया है। इनमें से एक प्रमुख नाम है जीतन राम मांझी, जिन्हें एमएसएमई मंत्री बना दिया गया है। शोभा करंदलाजे को एमएसएमई का ही राज्य मंत्री नियुक्त किया गया। रक्षा मंत्री एक बार फिर राजनाथ सिंह को बनाया गया। बतौर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों रक्षा सेवाओं के बीच बेहतर जुड़ाव और इसके लिए थिएटर कमांड का निर्माण करना अपनी लिस्ट में रख रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण रक्षा सुधार जरूर है। रक्षा मंत्रालय की अन्य प्रमुख प्राथमिकताओं में पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध के रहते लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना रहेगा, सीमा तैनाती को बेहतर और मजबूत बनाना, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डीआरडीओ का कायापलट भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। सवालों के घेरे में अग्निवीर योजना है। जेडीयू ने अपनी मांगों में राज्य के लिए विशेष दर्जा 4 मंत्री पद की मांग दोहराई। पार्टी बिहार में नीतीश के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की स्थिरता का आश्वासन भी चाहती है। अग्निपथ के बारे में पूछे जाने पर एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंच चर्चा के लिए खुला है। मेरा मानना है कि इसमें इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि अग्निवीरों के माध्यम से हम कितना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे देश के युवाओं से जुड़ी हुई बात है। गुरुवार को जदयू सुप्रीमो और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली के कामराज लेन स्थित अपने आवास पर अपने 12 चुने गए सांसदों के साथ कई बैठकें की। इससे निष्कर्ष निकला, अग्निपथ योजना को लेकर मतदाताओं में गुस्सा है। हमारी पार्टी चाहती है कि इस योजना की खामियों को दूर करने के लिए सरकार इस पर गौर करे। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए केसी त्यागी ने कहा, हमने अपने चुनाव अभियान के दौरान राजनाथ सिंह द्वारा कही गई बातों के आधार पर अग्निपथ योजना की समीक्षा की मांग की। राजनाथ सिंह ने कहा था कि सरकार आवश्यकता पड़ने पर अग्निपथ योजना में बदलाव के लिए तैयार है। सेना में 40,000 अग्निवीरों के 2 बैच पहले ही प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं और पोस्टिंग पर है। 20,000 के तीसरे बैच ने नवंबर 2023 में प्रशिक्षण शुरू किया है। नौसेना में 7,385 अग्निवीरों के 3 बैचों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। भारतीय वायुसेना में 4,955 अग्निवीरों ने प्रशिक्षण पूरा किया। जहां होती है सबसे ज्यादा अग्निवीरों की भर्ती, क्या वहीं भाजपा को इस बार हार मिली है? उत्तर प्रदेश के नतीजे हमें ऐसा कुछ बताते हैं। यहाँ पर सपा के खाते में 37, कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आईं, जबकि 2014 और 2019 में भाजपा की 33 सीटों पर जीत हुई थी। बिहार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 2019 चुनाव में 17 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने 12 सीट पर जीत दर्ज की। राजस्थान के लोकसभा चुनाव के नतीजों में भी 2019 में 24 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार 14 सीटों तक ही पहुंच पाई। महाराष्ट्र से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं आई। पिछली बार बीजेपी ने 23 सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार 9 सीटों पर संतोष करना पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में पंजाब की 3 सीट पर बीजेपी का खाता खुला, लेकिन इस बार पंजाब में बीजेपी का खाता ही नहीं खुला। हरियाणा में भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने राज्य की सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन इस बार सिर्फ 5 सीट पर जीत दर्ज कर पाई। देश के यही टॉप राज्य हैं जहां से सबसे ज्यादा युवा फौज में भर्ती होते हैं। लोकसभा चुनाव में इन 6 राज्यों में भाजपा को कई जिलों में हार मिली। हम भी पहुंचे थे हरियाणा, जहां हमने भर्ती हुए अग्निवीरों से कुछ बात की, तो सुनिए उन्होंने हमसे क्या कहा। इतने दिन तैयारी करी, फुल तैयारी थी हर चीज की, सब कुछ कंप्लीट था, फिजिकल फिट है
और 4 साल के लिए अब नौकरी करके वापस घर बैठ जाएंगे? 4 साल के लिए भर्ती नहीं होंगे। मेरा मन था, पूरा चाव था मेरा आर्मी में जाने का, लेकिन इनने जो 4 साल की करी है उस पद से मेरा मन हट गया है। 4 साल के बाद आएंगे ना तो कोई दर्जा दें दे, ना कोई वो कर दे, तड़के आके माले वो करे हैं तो तड़के दिक्कत आऊ है, ना तो कोई जमींदार आवने ना कोई नौकरी मिले। इस तरह अपना जमींदार हम पहली खाका माले हैं तो बढ़िया रहेंगे, और कोई प्राइवेट धंधा कर लेंगे तो अच्छा रहेंगे, या 4 साल के नौकरी के लिए कति मनाई कर दिया जाए। फिर कई भाई 5 लाख रुपये 7 लाख रुपये दे के लागे हैं, वह भी बुरे को नहीं हो, 2 रुपये छकड़े ने ब्याज पठा के किसी ने वो किला बेच के जा है तो क्या करेगा जी, वह पूरे ना होंगे। तो इस तरह से अपना जमींदारा कर लेगा, ब्याज तो सर ने नहीं फोड़ेगा। आप पैसे क्या करते हैं? मैं तो जी बीए करने लग रहा हूँ, बीए फाइनल। बीए फाइनल? हाँ जी। इसके अलावा आपने जमींदारा करूँ? अच्छा। हाँ, पसंद थी जी आर्मी, देश की सेवा करने खातर जनून था, लेकिन जो भी मोदी सरकार ने करी है 4 साल खातर जी वापिन तो न्यू सोच लिया, आर्मी में तो जाना है, अग्निवीर आलिम जाना है कौन। ग्रेजुएट बच्चा है वो डी ग्रुप में भर्ती होगा, वो क्या कर? जो लाख रुपये पहनते वो तनख्वाह ले वो 20,000 में कैसे गुजारा होगा उसका, क्या करेगा वो बच्चा? कुछ नहीं कर सकता वो, उसकी तो जमा जिंदगी बेकार होगी। 8वीं 10वीं पास बालक तीन लाख क्या कर दिया, आज ग्रेजुएट बालक से एम ए बी ए पी एच डी कर रहे हैं वो बालक पी एन की नौकरी करें, बता क्या क्या सरकार है ये? ऐसी भ्रष्ट सरकार देखने को नहीं मिली। हम भर्ती देखते थे उस टाइम अग्निवीर योजना नहीं थी, हमारे एवरेज होने के बाद आई है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो देखने को यह है, हमारे टाइम पे ग्राउंड में 100 बच्चे फिजिकल टेस्ट की तैयारी के लिए आते थे, जिससे उनका शरीर भी सही रहता था, भी कोशिश करते थे, जिसको मिले ठीक है नहीं मिले लेकिन उसका फिजिकल शरीर ठीक रहता था। लेकिन अग्निवीर योजना आने के बाद ग्राउंड में कोई भी बच्चा फिजिकल की तैयारी के लिए नहीं जाता। हमारे हरियाणा से, हरियाणा देश में इतने सैनिक दे रहा है बहुत ज़्यादा, 2% है जनसंख्या में वैसे तो, और सेना में भागीदारी 10% रखता है, और इतने सैनिक दे रहा था और अब इसमें 4 साल के लिए जाना पड़ेगा तो कहाँ से वो होगा? बच्चों का रुझान ही नहीं रहा जाने के लिए। वो ना करे बच्चा शहीद हो गया, अभी पिछले दिनों झुनू का एक लड़का शहीद मतलब एक्सपायर हो गया फौज में, ना तो उसको शहीद का दर्जा मिला, ना उसके बच्चों को कोई श्योरिटी मिली भी, कोई मुआवजा कुछ भी, वो आगे अपना पालन पोषण कर सकें, तो कोई भी बच्चा नौजवान क्यों भर्ती होना चाहेगा इसके अंदर? सेना में जाने का कोई रुझान नहीं रहा बच्चों का। क्या सोचते हैं अब आप, क्या करेंगे इस वक्त अगर अब आपने तैयारी की थी तो? क्या करेंगे जी, अभी एवरेज हो लिए क्या करेंगे, इतने एज लगड़ जाएगी हमारी, क्या करेंगे बताओ? खेती बाड़ी के सारे रहना पड़ेगा, वो भी नहीं छोड़ रखी इनने, किसान के साथ आप देख रहे हो कितना अत्याचार हो रहा है। आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ जी, इसे अग्निवीर को खत्म कर दें, सरकार से अपील हमारी, नहीं तो हम 4 जून को फैसला आएगा जब अपने आप समझ जाएंगे कि जी आपने क्या किया था और क्या नहीं किया। इस बार जो रवैया रहेगा वो पूरा भाजपा के खिलाफ रहेगा, क्योंकि मुश्किल से तो देश को आज़ादी मिली से अंग्रेजों से, वो गोरे अंग्रेज थे, अब पिछले 10 साल से देश गुलाम हो गया काले अंग्रेजों का, तो इनको इनसे आज़ादी पाने के लिए जो सबसे बड़ा है वो वोट का अधिकार है, वोट से इनको आज़ादी मिलेगी।